इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वफाकी वजीर अली जैदी, मेरे साथ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। आज ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बात की कि तहरीके इंसाफ के यानी हुकूमत के लोग उनके साथ रबते कर रहे हैं, ये सूरत हाल पैदा हो गई। सर आप क्या कहते हैं कि वाकई रबते हो रहे हैं? मैं जरा ख्वाजा आसिफ को और उनकी जमात के सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ज्यादा लोग हमारे से रबते में है, सूबे में भी रबते में, पंजाब के अंदर भी रबते में, सेंटर में भी रबते में। एक खुद जलसे के स्टेज पर ना ये कुछ आता नहीं है, ना ये गया ना उसका वो दूसरा जो साथ बैठता है वो आया सादिक, अरे क्या नाम है एहसन इकबाल, वो गया ना सादिक गया, पंजाब की कोई लीडरशिप, क्योंकि ये आपस में ही लड़े पड़े हैं। एक मरियम का नानी का ग्रुप है वो जो बैंडेड क्वीन बनी घूम रही है, द बैंडेड क्वीन, अपना चोरी का पैसा बचा रही है, और वो उसका वालिद वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान को सारे तमाशे उसके खिलाफ बातें कर रहा है। दूसरा ये वो जो उनके स्टेज के ऊपर से कल बात हुई सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। तीसरा जो मजारे कायद में उन्होंने किया वो कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई साथ बात नहीं कर सकता, कम से कम ही जाके बता देंगे जी हम इसको कंडेम करते हैं, सारे के सारे मोदी की जबान बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इसी साल गवर्नमेंट जा रही है इमरान खान, तो वो उनको कहने से उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से नजूमी है वो, कौन जा रहा है इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये आप देखिएगा उन्हीं के लोग इधर आ जाएंगे, जरा फॉरवर्ड ब्लॉक तो उनका बनने, ये दावा कर दिया उन्होंने अली जैदी ने कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है नून लीग में और वो लोग यहाँ आ रहे हैं। ये अली जैदी का बहुत बड़ा दावा सामने आया ख्वाजा भाईजान।